नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत कर लेते हैं प्रदेश हमारा का। सबसे पहले बड़ी खबर आपको जयपुर से देंगे, जहां पर दिनेश स्वामी की मौत से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शास्त्री नगर इलाके में शुक्रवार रात को मारपीट के बाद हुई थी दिनेश स्वामी की मौत। वारदात में फरार दो नामजद आरोपी मोहसिन और मोहम्मद शाकिर उर्फ लाला को किया गिरफ्तार। वारदात के बाद दोनों आरोपी जयपुर से भागकर पहुंचे थे फरीदाबाद। पुलिस से बचने के लिए खुलिया बदला छोटे करवाए सिर के बाल। घटना के बाद एसएचओ दलवीर फौजदार के नेतृत्व में गठित की गई थी दो स्पेशल पुलिस टीमें। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैलाश चंद्र बिश्नोई कर रहे थे लगातार मॉनिटरिंग। आखिरकार 72 घंटे शास्त्री नगर थाना पुलिस को मिली सफलता। डीएसपी के हेड कांस्टेबल चंद्रपाल और कांस्टेबल सुजीत की सूचना पर दोनों आरोपी गिरफ्तार। शुक्रवार रात को ई रिक्शा सवार तीनों आरोपियों की स्कूटी सवार दिनेश से साइड देने को लेकर हुई थी बात और इस पर हुआ था झगड़ा। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद एक आरोपी शाहरुख को कर लिया था गिरफ्तार। तो वारदात में फरार दो नामजद आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक का नाम मोहसिन है और एक का नाम मोहम्मद शाकिर उर्फ लाला गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात के बाद आरोपी जयपुर से भागकर फरीदाबाद पहुंचे थे। संवाददाता विष्णु इस वक्त ऑनलाइन पे हमारे साथ है। विष्णु, देखिए दिनेश स्वामी की मौत मामले में पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता मिली है, दो और आरोपी गिरफ्तार। बिल्कुल, देखिए दो दिन के बाद 72 घंटों के भीतर शास्त्री नगर थाना पुलिस ने दो और आरोपियों को कल रात को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक का नाम जो है मोहसिन बताया जा रहा है वहीं पर, दूसरा है मोहम्मद शाकिर उर्फ लाला, यानी एक जो मोहम्मद शाकिर है वो ई रिक्शा चालक भी है, जिसके ई रिक्शा में सवार होकर के तीनों आरोपी शाहरुख मोहसिन और शाकिर ये जा रहे थे। और इसी समय शुक्रवार रात को एक स्कूटी के टक्कर के बाद में कार सुनी में जब मारपीट हुई उसमें दिनेश स्वामी की मौत हो गई। पूरी वारदात के बाद में हेड कांस्टेबल चंद्रपाल सिंह और उनके साथी को एक सूचना मिली कि आरोपी यहां से भागकर या फरीदाबाद गए हैं और जो पूरा ऑपरेशन था वो शास्त्री नगर एसएचओ दलवीर सिंह फौजदार के नेतृत्व में दो टीमें बनाई गई, फरीदाबाद भेजा गया और जहां से पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, मोहसिन को और मोहम्मद शाकिर को। दोनों ने पुलिस से बचने के लिए वहां फरारी काटने के इरादे से अपने बाल छोटे करवा लिए, अपना हुलिया भी बदला, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने महज 72 घंटों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों जो आरोपी गिरफ्तारी में हेड कांस्टेबल चंद्रपाल और कांस्टेबल सुजीत की सूचना पर एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसको लगातार पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ और एडिशनल कमिश्नर चंद्रपाल कैलाश चंद्र बिश्नोई लीड कर रहे थे। जी ठीक है विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल बड़ी सफलता इसे हम कह सकते हैं, दिनेश स्वामी की मौत इससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों भाग गए थे फरीदाबाद, जहां पर बाल काटे पहचान छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने बदले हुलिये को भी पहचान लिया था और अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। कोटा से खबर आपको देंगे, संदिग्ध हालत में कोचिंग स्टूडेंट की मौत का मामला सामने आया है। मृतक छात्र के परिजन पहुंचे यूपी के कोटा, यूपी से कोटा पहुंचे हैं और आज होगा मृतक छात्र के शव का पोस्टमार्टम। मृतक कुशाग्र यूपी के प्रयागराज का निवासी था। तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया था। जवाहरनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो संदिग्ध हालत में कोचिंग स्टूडेंट की मौत का ये पूरा मामला है। दरअसल आपको बता दें कि कोटा से ये बड़ी खबर है, जहां पर कोटा में पढ़ रहा कोचिंग का स्टूडेंट अचानक से संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो जाती है और फिलहाल मृतक के परिजन जो है वो यूपी से अब कोटा आ रहे हैं, जहां पर उनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या वजह थी स्टूडेंट के मौत की। तो फिलहाल आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि आज मृतक छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो परिजन है वो यूपी से कोटा पहुंच रहे हैं। दरअसल तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया था और संदिग्ध हालत में कोचिंग स्टूडेंट की मौत का यह मामला जो है वो निकलकर सामने आया था। मृतक छात्र के परिजन यूपी से कोटा फिलहाल पहुंचे हैं और अब यहां पर परिजनों की मौजूदगी में जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर क्या वजह थी स्टूडेंट की मौत के पीछे की, इस पर जो है पर्दा उठ जाएगा। लेकिन हाँ, परिजन इसमें साफ तौर पर परेशान जरूर है। मृतक कुशाग्र जो है यूपी के प्रयागराज का निवासी था और कोटा में रहकर कोचिंग कर रहा था, तैयारी कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और इसी दौरान अचानक से तबियत खराब हो जाती है, अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है अनूपगढ़ से, जहां पर भारत पाक सीमा क्षेत्र में हेरोइन मिली है। बरामद हेरोइन का वजन जो है वो लगभग 3 किलो बताया जा रहा है।
बीएसएफ और समीजा कोठी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर भारत पाक सीमा क्षेत्र में मिली हेरोइन, आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बरामद हेरोइन का वजन जो है वो लगभग 3 किलो बताया जा रहा है। बीएसएफ और समीजा कोठी थाना पुलिस जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले पर। हेरोइन की खेप मिलने का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी भारत पाक बॉर्डर पर इस तरीके से वहां से लगे क्षेत्रों में हेरोइन मिलने का मामला सामने आया है। तस्करी साफ तौर पर यहां पर जो ड्रग्स है उनकी की जाती है और इसका जखीरा कई बार बीएसएफ के हाथ लगा है, और ऐसे में एक बार फिर से ये कार्रवाई जो है संयुक्त रूप से की गई है बीएसएफ और पुलिस के द्वारा, और अब आसपास के क्षेत्र में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संवाददाता अशोक शर्मा इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। अशोक, भारत पाक सीमा क्षेत्र में हेरोइन मिलने का मामला सामने आया है। बीती रात के पूरा ये मामला है जब भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के समीजा कोठी थाना क्षेत्र गांव 47 PS और 44 PS के बीच में जब समीजा कोठी थाना पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग की गई थी, तो वहां पर एक पैकेट बरामद हुआ और इस पैकेट को जब रिकवर करके इसकी जांच की गई तो इसमें संदिग्ध मादक पदार्थ हेरोइन होने की पुष्टि हुई है, जिसका वजन लगभग 3 किलो बताया जा रहा है। देखिए, लगभग 3 किलो हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल समीजा कोठी थाना पुलिस के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि सीमा पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जो हेरोइन ड्रॉप की गई है उसको लेने के लिए यदि कोई संयुक्त लोकल तस्कर पहुंचा हो तो उसको भी धर दबोचा जा सके। फिलहाल बीएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ स्थानीय पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी भी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ है कि फिलहाल जो हेरोइन मिली है इसको लेकर अब आगे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, आसपास के इलाकों में भी चेकिंग की जा रही है कि आखिर ये हेरोइन की खेप कहां पर पहुंचानी थी और कहां से ये तस्करी हो रही है। और अजमेर से बड़ी खबर है, अजमेर ब्लैकमेल कांड में आज फैसला आ सकता है। दरअसल पॉक्सो अदालत सुना सकती है फैसला, 6 आरोपियों पर आएगा फैसला। 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। 1992 में छात्राओं के साथ हुआ था ब्लैकमेल कांड उजागर, तो ब्लैकमेल कांड में आज फैसला आ सकता है। अजमेर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 1992 में छात्राओं के साथ हुआ था ब्लैकमेल कांड उजागर, पॉक्सो अदालत आज इस पूरे मामले पर फैसला सुना सकती है। तो अहम जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं, 6 आरोपियों पर आएगा फैसला, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अजमेर से बड़ी खबर है, पॉक्सो अदालत सुना सकती है फैसला, 6 आरोपियों पर आएगा फैसला। दरअसल 6 आरोपियों पर आज ये फैसला आने वाला है, ब्लैकमेल कांड में आज ये फैसला आएगा। 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है और 1992 का ये मामला है जब छात्राओं के साथ ये ब्लैकमेल कांड उजागर हुआ था, जिसके बाद इस पूरे मामले पर जांच चल रही थी और आज भी ये मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, और जिसमें 9 आरोपियों को तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 6 आरोपी ऐसे हैं जिन पर सजा का फैसला आज हो सकता है। देखना होगा कि पॉक्सो अदालत आज इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाती है, क्या इन 6 आरोपियों को भी आगे उम्र कैद या फिर इन्हें बरी तो नहीं कर दिया जाता है। बीजेपी का सदस्यता अभियान आज पार्टी की कार्यशाला से होगा आगाज। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने इस बार 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, हर बूथ पर बीजेपी बनाएगी 200 से अधिक सदस्य। तो फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं, भाजपा का ये सदस्यता अभियान है, आज पार्टी की कार्यशाला से इसका आगाज होने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत कई दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने इस बार 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा है। तो बीजेपी अपने कुनबे के विचार विस्तार में जुटी हुई है। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रदेश भाजपा के परिवार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का ऐलान किया है। पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर 20 अगस्त को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित करेगी, जिसमें प्रदेश के नए प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिवार को और बड़ा बनाने के मकसद से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने पुराने रिकॉर्ड से आगे निकलने की चुनौती है। पिछली बार बीजेपी ने 1 करोड़ तक अपनी सदस्यता का आंकड़ा पहुंचा दिया था। इस बार प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी
दोनों ही नहीं पर टीम पुरानी, जिसके पास पार्टी संगठन में काम करने का लंबा तजुर्बा है। 20 अगस्त को जयपुर में मेंबरशिप कैंपेन की लॉन्चिंग होगी, दिन भर कार्यशाला चलेगी, पार्टी के नेताओं को सदस्यता अभियान की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को डबल इंजन की सरकार और पीएम मोदी के साथ सीएम भजनलाल की जनता के बीच लोकप्रियता से रिकॉर्ड तोड़ सदस्य बनने की उम्मीद है। प्रत्येक व्यक्ति को हम इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे, हम बूथ वाइज व्यवस्था करेंगे, प्रत्येक बूथ से कम 200 सदस्य हर बूथ से हम बनाने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार से जो हमारे 51,000 समथिंग बूथ है राजस्थान में, तो 1 करोड़ से अधिक हम सदस्य बनाएंगे। बीजेपी अभियान के दौरान प्रदेश के हर बूथ तक पहुंचेगी, हर बूथ पर 200 से ज्यादा लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का पार्टी ने लक्ष्य लिया है। 9 मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने पर बीजेपी का खास फोकस होगा, इसीलिए युवाओं के बीच अभियान की गूंज इस बार कुछ ज्यादा ही सुनाई पड़ेगी। SC ST और OBC मतदाताओं को पार्टी से और करीब लाने पर भी अभियान के दौरान पूरा जोर रहेगा। जिन लोकसभा सीटों पर पार्टी चुनाव हारी, वहां पर अभियान को मजबूती के साथ चलाने की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहां के नेताओं को पूरी ताकत के साथ अभियान से जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। इसीलिए पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर साधारण कार्यकर्ता तक की भागीदारी इस कैंपेन में सुनिश्चित कर रही है। राजस्थान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को अभियान का संयोजक बनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य बनना है, यानी हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी सदस्य बनना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको भी सदस्य बनना है, और सभी को सदस्य बनना है। तो ये नए सिरे से शुरू होता है, तो हम पिछली बार से अधिक सदस्य बनेंगे। बीजेपी खुद को कार्डर बेस्ड मास पार्टी मानती है और कहने को कार्यकर्ता उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। विरोधी दलों पर हमेशा भारी पड़ने के प्रयास में उसके सदस्यता अभियान की गूंज हर तरफ सुनाई पड़ती रही है, पर इस बार केंद्र में उम्मीद से कम बहुमत मिलने की टीस भी उससे कम परेशान नहीं कर रही है। बीजेपी ने इस बार 20 लाख नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अभियान को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि सूबे की 8 करोड़ आबादी में से हर 8वां शख्स पार्टी का सदस्य बन जाए। इसके लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर दस्तक देने वाले हैं और आम जनता से पार्टी से जुड़ने की अपील करने वाले हैं, और साथ ही जनता को यह एहसास भी कराने की कोशिश होगी कि सियासत में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, और फिर इसी बड़े हुए हौसले के साथ बीजेपी विधानसभा के उपचुनाव में भी जाना जरूर पसंद करेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, News 18 जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंदी जिले के बड़ियानियावा गांव में प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण सैकड़ों बीघा फसल खराब हो रही है। वहीं मकानों में पानी भर रहा है, आने जाने वाले को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ये सब होने के पीछे अतिक्रमण कारण माना जा रहा है, और इस मामले में लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो 1000 बीघा जमीन खत्म हो गई, पानी भरा हुआ है, जानवर डूबे हुए हैं, धान की फसल तगात खत्म हो गई, और पूरे गांव को बहुत तगड़ी परेशानी है। इससे ये पानी निकलना ही चाहिए, और डूब में बहुत परेशानी है, जानवर डूबे हुए हैं, मकान डूबे हुए हैं, स्कूल बच्चे बच्ची स्कूल जाते हैं, वो रास्ता भी बंद है गाँव में जाने का। सनी इतनी जोरदार हो रही है, सब बारिश हुई, बारिश के बाद में 50 किसानों की 500 बीघा के करीब जमीन डूबत में है, और जो पहले बरसाती नाला था पानी उससे निकास होता था, वो नाला बंद हो रखा है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मकानों में भी दिक्कतें हैं, पशु परेशान हो रखे हैं, और बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि मकानों से स्कूल तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, पानी में होकर निकलना पड़ रहा है। और अब खबर अलवर से है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज अलवर की जिला अस्पताल में भर्ती टाइगर के हमले में घायल हुए लोगों से मिले हैं, जहां टीकाराम जूली ने टाइगर के हमले में घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है और घायलों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने पर नाराजगी भी व्यक्त की है। जूली ने कहा कि जिले से दो मंत्री हैं जिनके विभाग का मामला है, इसके बावजूद घायलों को मुआवजा नहीं मिला है। टीकाराम जूली ने बताया है कि जिस तरह टाइगर का इन लोगों पर हमला हुआ है, टाइगर अपने क्षेत्र सरिस्का से 100 किलोमीटर दूर जा चुका है। उन्होंने कहा पहले सरिस्का में टाइगर खत्म हो चुका है, उसके बाद पूर्व CM अशोक गहलोत ने एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे जिससे टाइगरों की संख्या अधिक बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें लापरवाही है। जो पीड़ित है उनको किसी भी प्रकार का अभी तक मेडिकल मुआवजा नहीं दिया गया है।
टाइगर का जो हमला हुआ है, पहली बात तो टाइगर भी इस प्रकार से 100 किलोमीटर दूर गया है, कॉलर आईडी वगैरह जो लगी हुई है और किस प्रकार से हम टाइगर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक बार सारे टाइगर सरिस्का के खत्म हो गए थे, उसके बाद अशोक गहलोत जी ने वापस इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और अब जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की लापरवाही है। सूबे की राजधानी में हुई लाखों की लूट से पिंक सिटी के वाशिंदे सन्न रह गए हैं। अपराधियों ने जयपुर पुलिस को खुली चुनौती दी है, जिसे पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की राजधानी में दिन दहाड़े लूट, 8 लाख की लूट से जयपुर में सनसनी। बजाज नगर थाना इलाके में SBI बैंक के पास हुई वारदात। सड़क पर खड़ी पुलिस की गाड़ी और चंद कदमों की दूरी पर अनमने भाव से खड़ा पुलिसकर्मी। पहली नजर में इन तस्वीरों पर शायद ही किसी का ध्यान जाए, लेकिन बेहद आम नजर आने वाली इन तस्वीरों के पीछे की कहानी काफी खास है। दरअसल सोमवार को बजाज नगर थाना इलाके में SBI बैंक के पास 8 लाख की लूट की वारदात हो गई। तरीका ऐसा जैसा फिल्मों में आपने देखा होगा। अपराधी आंधी की रफ्तार से आए और तूफान की रफ्तार से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात दोपहर करीब 1 बजे की है। जो डेरी है उनमें से रोज का जो कैश का गल्ला होता है उसका कलेक्शन करके वो बैंक में जमा करवाने का काम करता है। तो बजाज नगर थाने से पहले एजी कॉलोनी के आसपास एक उसकी गाड़ी ने आगे टक्कर मारी और उसका जो बैग था वो डूबकर वहाँ से ले गए। घटना के पश्चात हमारी जिले की सभी टीमें DST और थाने पुलिस की सभी टीमें गाड़ी को जो भी वारदात किए हैं। उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया है प्राथमिक उपचार के लिए। बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है अभी तक जो पता चला, खतरे से बाहर बताया जा रहा है, बाकी उनको जो बेस्ट से बेस्ट इलाज है वो दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक AG कॉलोनी के पास लूट हुई। स्विफ्ट कार में सवार बदमाशों ने डेयरी के कलेक्शन एजेंट फुरकान की बाइक को पीछे से टक्कर मारी। कार के टक्कर से बाइक सवार काफी दूर तक घिसटता हुआ चला गया। वो उठकर संभल पाता, इससे पहले कार सवार एक बदमाश नीचे उतरा और फुरकान से 8 लाख रुपयों से भरा बैग लूटकर और तेज रफ्तार से कार को दौड़ाकर फरार हो गया। एक स्विफ्ट कार में सवार होकर आए बदमाशों ने डेयरी के कैश कलेक्शन एजेंट को टक्कर मारी और उसके बाद में बदमाश इसी रास्ते से फरार हो गए। ये रोड झराना में बजाज नगर टी पॉइंट से होकर के AG कॉलोनी की तरफ आता है और वहीं पर AG कॉलोनी के कट के सामने बदमाशों ने सबसे पहले बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद जब डेयरी का कैश कलेक्शन एजेंट फुरकान नीचे गिर गया उसके बाद बदमाशों ने उसका रुपयों से भरा बैग लूटा और उसके बाद वहां मौके से फरार। लाखों की लूट से शहर में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के जरिए अपराधियों तक पहुंचने की जुगत में जुटी है। फिलहाल बजाज नगर थाना पुलिस ने जयपुर शहर के तमाम रास्तों पर नाकाबंदी करवा दी गई है। CCTV फुटेज चेक किए जाने और वहीं पर इस हादसे में चोटिल हुए फुरकान को भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहीं पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर कार नंबरों के जारी करते हुए जांच करते हुए बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।